सभी को नमस्कार है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये है हमारे साथ पलक प्रकाश। और पलक प्रकाश, आप कितने साल की हैं? 11 इयर्स की हैं पलक प्रकाश। और अब हम लोग देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर पर ट्रेड्स को पहचानना कितना आसान है या कितना कठिन पलक प्रकाश के साथ। तो पलक, मैं आपको कुछ एक स्टॉक्स बताऊंगा, आपको उसमें पहचानना है कि वो स्टॉक्स में हम ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। एलटीपी कैलकुलेटर के हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जाते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्टॉक्स को देखते हैं। चलिए कुछ एक स्टॉक्स देखना शुरू करते हैं। हम लोग आरती इंडस्ट्रीज से शुरू करेंगे। पलक, आपको आरती इंडस्ट्रीज का बताना है। आरती इंडस्ट्रीज में, आरती इंडस्ट्रीज बताइए, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में आप। आरती इंडस्ट्रीज का सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। और होना कैसा चाहिए? वीक टुवर्ड्स बॉटम। वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। हाँ, वीक टुवर्ड्स टॉप ही होना चाहिए। तो ये हमारे फेवर में है कि अगेंस्ट है? है? फेवर में या अगेंस्ट? फेवर में। फेवर में है। फिर यहाँ पे जीरोस के क्या करें? नहीं करें ट्रेड। तो क्या इस सपोर्ट पे ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, नहीं लेना चाहिए। चलिए अगला स्टॉक बताएंगे आप। यस, ABFRL। आप बताइए इसके सपोर्ट पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? जीरो ज्यादा है। जीरोस यहाँ पर ज्यादा है इसलिए ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक बताएंगे आप, अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स के सपोर्ट पर ट्रेड लेना चाहिए? वीक टुवर्ड्स बॉटम है ये। क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए एलकेम। एलकेम में क्या करना चाहिए? एलकेम में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? जीरो ज्यादा है। जीरोस बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट बताइए हमारा जो बैटरी। जीरोस बहुत ज्यादा है इसलिए ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अच्छा चलिए नेक्स्ट बताइए अंबुजा सीमेंट। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है इसलिए नहीं लेना। अच्छा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है इसलिए ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए अपोलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जीरोस ज्यादा है। जीरोस बहुत ज्यादा है इसलिए ट्रेड नहीं लेना है हमको। चलिए नेक्स्ट बताइए अशोक लेलैंड। वीक टुवर्ड्स टॉप है ये। सही है। सपोर्ट नॉर्मल है, जीरोस नहीं है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रेड ले लेना चाहिए। कहाँ से ट्रेड लेंगे हम लोग? 125 कहाँ पे क्लिक करें तो हमको पता चलेगा ट्रेड लेना है? सपोर्ट की वॉल्यूम पे, यानी कि 293। चलिए 293 पर क्लिक करता हूँ मैं। तो क्या दिखाई दिया? 124 से क्या करेंगे हम लोग? बाय करेंगे। बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? 121। फिर रजिस्टर, फिर इसका टारगेट कैसे पता चलेगा? अपोजिट साइड वॉल्यूम। अपोजिट साइड वॉल्यूम कौन सी है? वॉल्यूम 336 पे क्लिक किया तो हमारा टारगेट क्या अभी दिखाई दे रहा है? ब्रेकआउट मतलब आ चुका है। आ चुका। चलिए तो देखा आपने कितना आसान है। एक स्टॉक पलक प्रकाश ने निकाला, वो स्टॉक है अशोक लेलैंड। और ऐसे ही हम रोज अब एक वीडियो के साथ मिलेंगे जहाँ पे पलक आपको एक स्टॉक निकाल के दिखाएंगी और वो बताएंगी कि कैसे निकालते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर ट्रेड निकालना कितना आसान है। सभी को कहूंगा मैं कि ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम और साथ में हमारी अगली पीढ़ी, उसके लिए भी एलटीपी कैलकुलेटर एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।